अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए। कल रात मैंने यखनी पी थी तो मेरे जो गला था काफी ज्यादा खराब गले क्या हुआ है, तो खांसी अब बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये मैंने अभी मशीन लगाई थी चार्जिंग के लिए, तो मैंने कहा थोड़ी सी शेप ज्यादा बढ़ गई है तो इसे सेट करते हैं। तो अभी मैं खाने लगा हूँ ये गोली सेप्ट्रा, तो गला काफी ज्यादा खराब हो गया तो मैंने कहा ये भी खा के दे लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। वैसे मुझे चार दिन हो गए हैं, तकरीबन पांच छह दिन हो गए हैं मुल्तान से आए हुए, तब से मेरा गला खराब है, तब से मैंने मेडिसिन नहीं ली तो ये ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने कहा आज ले लेते हैं शायद कुछ बेहतरी आ जाए। अभी बज गए तकरीबन ढाई, तो मैं पीने लगा हूँ यखनी, तो काली मिर्च डाली हुई है, नमक डाला हुआ है, तो ये अभी यखनी पी थी, रात भी मैंने यही यखनी पी थी, तो जिसकी वजह से मेरे गला कुछ ज्यादा खराब हो गया, तो अभी फिर दोबारा पीता हूँ ये यखनी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो ही जाएगा। है तो वैसे मजेदार लेकिन गला रात बहुत ज्यादा खराब हो। तो मेरी मशीन जो है वो चार्ज हो गई है, तो अभी मैं अपनी दाढ़ी वगैरह सेट कर लूं। तो मैंने ये शेव वगैरह कर ली है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा होगा। तो अभी मैं खाने लगा हूँ, खाना ढाई बज गया तो खाना खाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि बाइक राइड पे जाते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो आज मैंने कहा पकाए थे आलू मटर गोश्त है और साथ रोटी, तो अभी मैं खाना खा लूँ। अभी बज चुके हैं शाम के, तकरीबन हो गए हैं साढ़े चार और पाँच बजने वाले हैं, शाम होने वाली है, तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ। बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि आपको मोटो व्लॉग जो है वो पसंद आ रहे होते हैं कि मेरे के नहीं आ रहे होते, लेकिन मैं फिर भी बाहर आ जाता हूँ। तो मेरी जो मुल्तान वाली वीडियोज़ थी, तो तकरीबन मैंने कुछ पाँच की वीडियोज़ डाली हैं, तो जिनमें चार वीडियोज़ में तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो लास्ट वीडियो थी तो वो थोड़ा सा मैंने भी गलती की है कि मैंने पहले वीडियो डाल के तो बाद में वो हाइड करके दोबारा न्यू एडिट करके डाली थी, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक था, वो कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं, कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा चलो दोबारा एडिट करके म्यूज़िक चेंज करके तो मैं डालूँ, तो वो ऐसे किया था जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम है, मतलब है ही नहीं है। तो खैर बाकी जो मेरी बाद वाली वीडियोज़ है घरेलू, तो उनमें रिस्पॉन्स ठीक है, नॉर्मल सा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स, और आप सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे चैनल, तो ये कैसे हम ग्रो करेंगे और कैसे अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट किया करें कि क्या वीडियो की कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, मोटो व्लॉग जो मैं कर रहा हूँ ये पसंद नहीं आ रहे, घर पे जो व्लॉग कर रहा हूँ वो पसंद नहीं आ रहे, क्या चीज़ है जो आप देखना चाह रहे हैं। तो मुझे पता है आप ट्रैवल देखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं आपको ट्रैवल वगैरह भी दिखाऊँ, इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से घर के व्लॉग डालिए, जब कभी पैसे आए तो ट्रैवल कर लिया। तो मैं घर के व्लॉग इसलिए डाल रहा हूँ, लगातार डेली व्लॉग डालने होते हैं, तो डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होती तो है नहीं, तो फिर इसी तरह डालने पड़ते हैं कि जो कुछ किया है हमने घर में तो वो आपको दिखा देते हैं। अब मैं शाम को बाइक राइड पर आ जाता हूँ तो आपको बाइक राइड दिखा देता हूँ, तो इसी तरह से व्लॉग कर रहा हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं और जो स्मोक है तो वो काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जो गले ख़राब हो रहे हैं, तो मेरा अपना गला कोई पाँच छः दिन से ठीक नहीं हो रहा, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आज मैंने मेडिसिन ली है, तो थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ है, कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह गला मेरा ठीक हो जाएगा। तकरीबन मेरे चैनल पर व्लॉग जो है सिर्फ व्लॉग्स वो तकरीबन 96 के करीब हो गए, तो कभी तक सब्सक्राइबर्स इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे और ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो पता नहीं ये चैनल कब तक चलेगा। आपकी सपोर्ट, ये हर चैनल जो है जो भी चैनल चल रहा है आजकल वो आपकी सपोर्ट के साथ चल रहा है, तो बेशक मैं कई ऐसे चैनल देखे कंटेंट कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी सपोर्ट होती है तो वो चल रहे होते हैं, तो इसलिए इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, करें सब्सक्राइब। तो मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो घरेलू व्लॉग्स अगर आपको बोरिंग लग रहे हैं तो आप इसका क्या कर सकते हैं, वैसे ही लाइफ थोड़ी सी बोरिंग चल रही है, तो उसी हिसाब से आपको व्लॉग्स भी बोरिंग लग रहे होंगे। ओए क्या बात है भाई, बड़ी लाइन में आ गए ये, तो फिर उसे बंदा पहले आहिस्ता निजी लाइन पे आ जाए,
फिर टर्न कर ले, बड़ी लाइन पे आना है, ब्रेक लगानी है, फिर नीचे जो लाइन है वहाँ पे टर्न करना है। तो कोई नहीं, खैर है, पास का पता नहीं चलता रास्ते का, तो फिर हो जाता है, कोई नहीं। टक 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 पड़ा 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 पड़ा, ये जो मेरा एग्जॉस्ट है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब सा एग्जॉस्ट है, इसके अंदर जो पटाखे बाइक मारती है ना, तो वो इतने लाउड नहीं होते और इतने ज़्यादा नहीं होते। जो दूसरा एग्जॉस्ट है ना मेरा, उसके अंदर जो बाइक पटाखे मारती है, वाह मज़ा आ जाता है। लेकिन वो एग्जॉस्ट मैं ज़्यादा देर यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो लाइट लाउड बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे हैं तो वो फिर फरमाइश करते हैं कि हमने थ्रॉटल देना है, और वो थ्रॉटल देते हैं मोहल्ले में, और फिर बाद में मोहल्ले वाले तंग होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है और काफ़ी झटके से वो साउंड देता है, जिसकी वजह से ना मोहल्ले वाले घर बैठे डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं वैसे पार करे पास। तो इसलिए मैं वो ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि किसी को हमने तंग नहीं करना। तो मेरे ख्याल से लोग, ये मेरा ये एहसास है, इससे तंग हो रहे होंगे पता नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में तो ये थोड़ा सा डिसेंट सा साउंड है, हल्का सा नॉर्मल सा, अगर लोगों को लाउड लगता होगा तो पता नहीं। तो खैर, चाय किला जो है भरपूर तरीके से खोल लिया गया, तो दोबारा हमने यहाँ पे चक्कर लगाया नहीं है, जो हमें क्या मैं आपको बताऊँ, कुछ बातें होती हैं। चलो अल्लाह उनके बिजनेस है, अल्लाह बरकत डाले। यहाँ पे रश कितना ज़्यादा है यार, आज क्या बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ है आज। मेरा ख्याल हफ्ता है, इस वजह से रश है। आजकल छुट्टियाँ होंगी ना, जो मुलाजमीन है तो वो आ रहे होंगे, तो उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा हुआ है। कल भी यहीं से गुजरा था, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था, आज रश बहुत ज़्यादा है। वीकेंड है पता नहीं इसलिए रश ज़्यादा है, क्या मसला है यहाँ पे। EH 138, ये गाड़ी का नंबर है, ये लगता है हमारे गांव की है, तो हमारे गांव का भी जो है ना वो चेक नंबर है वो 138 है, तो मुझे लग रहा है ये कि हमारे गांव की किसी बंदे की गाड़ी है। तो काफ़ी शौक रखते हैं हमारे गांव के लोग, जो भी होते हैं ना अपने गांव का नंबर लगवाते हैं लोग, तो ये लग रहा है कि हमारे गाँव में से किसी की है, तो पता नहीं किसकी है ये। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन 5, तो मैं अली भाई की दुकान पे आ गया हूँ, और मलक मोहसन का भी फोन आ गया, तो वो भी आ रहा है यहाँ पे। मैं सोच रहा था मलक साहब के साथ भी प्रयाग करें, तो अभी मुजम्मल नहीं है, वो शादी पे क्या हुआ फिर क्या है यार, तो मुजम्मल है नहीं अभी यहाँ पे। तो चाबी रखनी है, चाबी रखनी है, चाबी गायब करनी, चाबी तो पहले भी गायब कितनी हुई है, कुछ करते हैं। मुजम्मल नहीं है यहाँ पे, मुजम्मल शादी पे गया, जब मुजम्मल होगा ना यहाँ पे तो फिर इंशाल्लाह मलक साहब ऐसा प्रयाग करेगा सारी जिंदगी याद। यार वीडियो देख लेनी यार उसने कटरा में। हम आए हुए थे बाजार, तो मलक साहब के साथ, तो हमें मिल गए, तो ये भी हमारे बचपन के दोस्त मिली है, तो अभी हम यहाँ पे ब्लॉग वगैरह कर रहे थे। तो हसीब भाई, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो हसीब भाई, हम आपको अनफ्रेंड करने लगे हैं सभी दोस्त, क्योंकि आप फारग हो चुके हैं फ्रेंड जोन से। पता नहीं हसीब भाई, आप मेरी वीडियोस देख रहे, तो हसीब भाई देख रहे, हसीब भाई वो जिनका निक नेम, सॉरी सॉरी वही था। नहीं यार हसीब भाई को कौन है, तो सी भाई तो अच्छे भाई हैं यार, बहुत अच्छे नाइस पर्सन, सच अ ग्रेट मैन है, और उसके लिए हसीब के लिए अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए उलट है। हसीब अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये पता याद कर ले, बड़े अच्छे अल्फाज है, तुझे याद कर ले। पता नहीं नाम ही याद होना कि नहीं याद होना, सोहेब भाई, सोहेब तो अभी ये तकरीबन 7:30 हो गया, तो मैं घर आ गया था। जोहेब भाई के साथ तो हमने काफी देख रहे थे, लेकिन जोहेब भाई जरा कैमरे से अनकम्फर्टेबल थे, तो उन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में स्पेशल लेके आएंगे, और आपको बचपन की जितनी भी यादें होंगी तो आपको सुनाएंगे हमारे स्कूल में जो था। तो इंशाल्लाह कभी आप चैनल को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह जब इस चैनल अच्छा होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने 5वीं क्लास तक मैंने पढ़ा है। तो अभी तो फिलहाल तुसी भाई कैमरे से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थे, तो वो कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह करेंगे, तो फिर हमने वीडियो
नहीं बनाई जाके बनाई हुई है। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल काफी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारा कुछ मैंने मिक्स ही कर दिया, मोटो दो भी बीच में डाल दिए, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, आप सब्सक्राइब प्लीज करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह।